वीजा एक्सपर्ट्स। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू वीज़ा एक्सपर्ट। स्लोवेनिया और सर्बिया का वर्क परमिट है, डिटेल आपको बताऊंगा इस वीडियो में, कौन कौन से बंदे चाहिए और क्या उसमें प्रोसेसिंग टाइम रहेगा, सारी डिटेल बताऊंगा इस वीडियो में। दोस्तों मेरे साथ बने रहिए। तो स्टार्टिंग करते हैं, स्लोवेनिया यूरोप शेंगन कंट्री है जिसमें कि मुझे फ़िश मीट चिकन प्रोडक्शन वर्कर चाहिए, हेल्पर अकॉर्डिंगली हेल्पर ही होते हैं जिनकी हेल्पिंग करनी है, ठीक है। कोई भी काम है उसकी फैक्ट्री के अंदर प्रोडक्शन के अंदर हेल्प करनी है, और उनकी जो सैलरी रहेगी 600 यूरो प्लस फूड अकोमोडेशन प्रोवाइड बाय द कंपनी है। बाकी देखिए, जो ट्रांसपोर्टेशन मेडिकल होता है वो कंपनी के लेबर लॉ के हिसाब से उनको मिलता है। स्लोवेनिया का टीआरसी, एक साल की टीआरसी एक्सटेंडेबल होती है, एक साल की टीआरसी आपको मिलेगी। जो पेपर होते हैं टीआरसी आपको इंडिया में ही प्रोवाइड हो जाती है स्लोवेनिया की, उसके बाद आपका वहाँ जाके एक्सटेंडेबल शुरू हो जाता है, ठीक है। और स्लोवेनिया का बेस्ट ऑप्शन ये रहता है कि वहाँ जाके आपको कोई दिक्कत नहीं आती है, क्योंकि वर्क परमिट होता है। एक तो बंदा आसानी से वहाँ पे पीआर के लिए भी ऑप्शन उसको मिल जाता है, क्योंकि लोग क्या करते हैं वहाँ से मूव हो जाते हैं, ठीक है, पुर्तगाल जाना चाहते हैं पुर्तगाल चले जाते हैं। तो स्लोवेनिया का हमारे पास हेल्पर का काम है, खाली जो फ़िश चिकन वगैरह पैक कर सकते हैं, ठीक है, उनको हेल्प कर सकते हैं, उनकी हमें रिक्वायरमेंट है, ठीक है। सीवी चाहिए, पासपोर्ट चाहिए, फ़ोटो एजुकेशनल चाहिए, आपका पीसीसी चाहिए, मेडिकल चाहिए, आधार कार्ड चाहिए, पैन कार्ड चाहिए, ठीक है। और ये हमें डॉक्यूमेंट चाहिए, और इसकी जो भी सारा कुछ 3 से 4 महीने का प्रोसेसिंग टाइम है। बाकी आप कुछ नहीं पता लग रहा तो आप कॉल करके पूछ सकते हो। दूसरा, सर्बिया के लिए हमें प्रोडक्शन हेल्पर चाहिए, सर्बिया का वर्क परमिट, ECNR और ECR दोनों पासपोर्ट इसमें एक्सेप्टेबल हैं, और प्रोडक्शन हेल्पर के लिए 450 यूरो सैलरी प्लस उनको अकोमोडेशन प्रोवाइड होगी कंपनी की, 8 घंटे की ड्यूटी है, और 25 साल से लेके 42 तक इसमें एज चलेगी, ठीक है। यहाँ पे भी टीआरसी मिलेगी दोस्तों, वहाँ जाके टीआरसी मिलती है, एक एक साल की टीआरसी एक्सटेंडेबल होती है, एक्सटेंड होती रहती है जितनी देर आप वहाँ पे उस कंपनी के अंदर काम करते हो, तो आपकी टीआरसी एक्सटेंड होती रहती है। और उसके उसके बाद ट्रक मैकेनिक चाहिए हमें सर्बिया के लिए, जिसकी सैलरी रहेगी 600 USD प्लस अकोमोडेशन, और इसके में भी आपको जो ट्रांसपोर्टेशन मेडिकल मिलता है वो आपको लेबर लॉ के हिसाब से मिलता है। उसके बाद ट्रैक्टर ड्राइवर चाहिए जिनकी सैलरी 400 प्लस फूड अकोमोडेशन प्रोवाइड बाय द कंपनी। ट्रक मैकेनिक चाहिए 600 यानी कि USD सैलरी प्लस आपको फूड अकोमोडेशन प्रोवाइड बाय द कंपनी। ट्रक ऑटो पेंटर चाहिए 500 USD सैलरी प्लस आपको फूड अकोमोडेशन प्रोवाइड बाय द कंपनी, ठीक है। और इसके अंदर सैलरी अलग अलग है, टीआरसी आपको एक एक साल की मिलेगी, एक्सटेंडेबल होती रहती है टीआरसी, और इसमें हेल्पर भी चाहिए। आपको मैंने कैटेगरी भी बता दिया कौन सी है, स्लोवेनिया के लिए भी आपको मैंने हेल्पर की कैटेगरी बता दिया। कोई भी इसमें अप्लाई करना चाहता है तो जल्द से जल्द अपने डॉक्यूमेंट शेयर कीजिए और अपनी सीट बुक करवाइए, क्योंकि ज़्यादा वैकेंसीज नहीं होती हैं। आपको नहीं कुछ पता लगता तो डिस्क्रिप्शन के अंदर कॉल का नंबर दिया गया है, व्हाट्सएप का नंबर दिया गया है, उस पर आप कॉल और व्हाट्सएप कर सकते हो, जलंधर में मिल सकते हो, मैं कॉल करके टाई अप करके आप अपना डॉक्यूमेंट जमा करवा सकते हो। बाकी 3 से 4 महीने का प्रोसेसिंग टाइम है, सर्बिया का 2 से 2.5 महीने का है, स्लोवेनिया का 3 से 4 महीने का प्रोसेसिंग टाइम है, और आप कॉल करके पूछ सकते हो। बाकी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।